लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार अधिकतर राज्यों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। दोनों ही गठबंधन की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। वही बिहार की बात करें तो एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू सहित कुल 5 दल एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस समेत 4 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि बिहार एनडीए और महागठबंधन के खाते में कितनी लोकसभा सीट आती हैं। इस बीच सी वोटर ने राज्य में सर्वे कराया है। सर्वे के दौरान जो नतीजे सामने आए हैं उनमें एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, हालांकि कुछ सीटों के नुकसान भी हो रही है। वे दूसरी ओर महागठबंधन को ज्यादा बढ़त तो नहीं मिल रहा, लेकिन पहले के चुनाव से इस बार कुछ सीटों का फायदा जरूर मिलता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 33 सीट मिल रही है, वही महागठबंधन के खाते में 7 सीट मिल रही है। निर्दलीय और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नहीं दिख रही है। वोट प्रतिशत की बात करें तो सर्वे के नतीजों में एनडीए को एक ओर जहां 51% वोट मिलता दिखाई दे रहा है, तो वही दूसरी ओर महागठबंधन इंडिया को 40% वोट मिल रहा है। इतना ही नहीं, दूसरी पार्टी निर्दलीय को 9% वोट मिलता दिख रहा है। सर्वे के नतीजों के मुताबिक एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर सामने आया है, तो महागठबंधन को पिछले बार से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं। इसमें दोनों गठबंधन को फायदा मिलता दिख रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए और महागठबंधन की ओर से ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां आयोजित की जा रही है। इन चुनावी रैलियों में दोनों ही गठबंधन के घटक दल एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को पीएम मोदी गया और पूर्णिया में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में शामिल सबसे बड़े घटक दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी अपनी चुनावी सभा में पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।